अदौरा के पास दो बाइक सवारों की आमने सामने हुई टक्कर में दो व्यक्तियों की मौत हुई, पुलिस ने मामला दर्ज किया। आज मजदूर दिवस पर ठेका वर्कर्स यूनियन ने रैली निकालकर श्रमिकों के हक की आवाज उठाई। गुना जिला कलेक्टर 2 मई को एक बार फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से मतदाताओं से संवाद स्थापित करेंगे। आज सैन समाज ने संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज की जयंती पर भव्य चल समारोह निकाला। भोपाल संसदीय सीट के कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में मजदूरों को माला पहनाकर सम्मानित किया। आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में रावगढ़ क्षेत्र में लाखों की अवैध शराब जब्त की गई। आज सेल्समैन एसोसिएशन ने जिला चिकित्सालय में रक्तदान कर सामाजिक दायित्व निभाया। श्रमजीवी पत्रकार संघ ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में डिप्टी कलेक्टर गुना को आज ज्ञापन सौंपा। उमरी में एक अविवाहित 22 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू की। बीनागंज क्षेत्र में अवैध रूप से 18 किलो डोडा चूरा ला रहे एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। शाडोरा में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामाजिक कल्याण समिति ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया।